नमस्कार सर, ये हमारे जो है यात्री आज पहुंचे हैं चार धाम यात्रा करने के लिए, और ये लोग एमपी से आए हैं, उनकी फैमिली ट्रिप है। ये लोग चार धाम में जाने वाले हैं, तो यहाँ से आज इनका 20 मई को यात्रा स्टार्ट हो रहा है, तो इनसे बात करते हैं ये हमारे साथ जुड़े, इनको कैसा एक्सपीरियंस लगा, हमारे जो है सर्विसेज इनको कैसी लगी, और यात्रा जो है इनके आज यहाँ से स्टार्ट होगी तो क्या इनके विचार हैं, कितनी एक्साइटमेंट है यात्रा को लेकर, तो आइए इनके मुख से जानते हैं। सर कैसा लग रहा है, अपना थोड़े बारे में बताइए, कहाँ से आप आए? हाँ, हम भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं और हमारी जो यात्रा है 20 तारीख से है, 10 दिन की यात्रा है चार धाम की। और बहुत खुश हैं हम, बहुत एक्साइटमेंट भी है। और यात्रा एक देव दर्शन एक्सपर्ट के थ्रू जो हमने करा है, बहुत अच्छा लगा हमें। उनकी सेवाएं भी अच्छी हैं और जैसे जैसे जाते जाएंगे ऐसे ऐसे मौसम का और इनकी सेवाओं का आनंद भी उठाते जाएंगे। और यही आशा करते हैं कि यात्रा अच्छी हो और आके फिर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा संपूर्ण करे, अच्छे से मंगलमय करे। जय श्री कला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अपडेट वीडियो में डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए बहुत सारे जो है यात्री इस समय परेशान हो रहे हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर और भी बहुत सारे जो है नए नए अपडेट, नए नए रिस्ट्रिक्शंस कानून यहाँ लागू हो चुके हैं चार धाम यात्रा में, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अपडेट है, कितनी भीड़ है इस समय यात्रा में, और मौसम कैसा है इस समय, यात्रा में आना क्या सही रहेगा अगर आप लोग इस समय प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हम आपके लिए चार धाम यात्रा के लिए पैकेज बुक कराते हैं, दो धाम के लिए पैकेज बुक कराते हैं। अगर आप हमारे द्वारा इस यात्रा को करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए सारी अरेंजमेंट कराते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चार धाम यात्रा में आ रहे हैं तो इस समय मई के महीने में रजिस्ट्रेशन है वो टोटली फुल है दोस्तों, और पहले 19 मई तक रजिस्ट्रेशन को होल्ड किया गया था कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कल नया अपडेट आ चुका है कि अब 31 मई तक कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। दोस्तों, जी हाँ, 31 मई तक कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार या अन्य किसी पड़ाव से नहीं मिलने वाला है। जो भी यात्रा में जा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वही यात्री यात्रा में जा सकता है। दोस्तों, और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन का आपका दर्शन का डेट है उसी दिन आपको जाने दिया जाएगा। अगर उससे आप पहले जाने की कोशिश करते हो या बाद में जाने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो आप यात्रा में नहीं जा पाएंगे। जिस दिन का यात्रा रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उसी दिन यात्रा करने की परमिशन है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है इस समय यात्रा को करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, बगैर यात्रा रजिस्ट्रेशन के तो आप इस यात्रा को कर ही नहीं सकते, क्योंकि हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश से आगे आपको तभी जाने दिया जाएगा जब आपके पास आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी यात्रा का ट्रिप कार्ड होगा, आपकी गाड़ी का ग्रीन कार्ड होगा, तभी जो है आपको ऋषिकेश से ऊपर जाने दिया जाएगा, अन्यथा ऋषिकेश से ही यात्रियों को लौटा रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बेरहमी के साथ दोस्तों यात्रियों को वहां से वापिस किया जाता है। कोई भी यात्री मंदिर के पास पहुंचने वाला होता है और उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसको वहां से भी लौटाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यात्री एकदम से इतने पहुंच गए कि जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। जो भी भक्त यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए थे और अपनी ऑलरेडी बुकिंग्स लेके आए थे, तो उनके लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है दोस्तों। ये हालात आप देख सकते हैं, इस तरीके के हालात थे ऑफलाइन काउंटर पर हरिद्वार में दोस्तों, पूरा खचा खच भरा हुआ है, और इसीलिए गवर्नमेंट को इसको बंद करना पड़ा। 31 मई तक अब यहाँ कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए अगर आप यात्रा में आने वाले हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में न आए कि यहाँ आके आप बनवा लेंगे, तो यहाँ नहीं बनने वाले हैं दोस्तों। 31 मई तक काउंटर पूरी तरीके से जो है बंद कर रखा है। और डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इन दिनों का यात्रा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो आप अगर बस से यात्रा करना चाहते हैं तो बस से यात्रा करने के लिए आपको अपना सिर्फ यात्रा रजिस्ट्रेशन ही चाहिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन आपको पड़ाव पर दिखाना है और आपको आगे जाने दिया जाएगा। और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको अपने यात्रा रजिस्ट्रेशन सबके होने चाहिए, गाड़ी के सारे पेपर्स होने चाहिए, और गाड़ी का एक ट्रिप कार्ड भी बनेगा दोस्तों,
जिस ट्रिप कार्ड के साथ आप इस यात्रा को कर सकते हैं। बगैर ट्रिप कार्ड आप अपनी पर्सनल गाड़ी को भी यात्रा में लेकर नहीं जा सकते दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं टैक्सी से, अगर आप जाना चाहते हैं या मिनी ट्रेवलर से या अन्य किसी टैक्सी से, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए ग्रीन कार्ड भी होना जरूरी है। उस टैक्सी का यहाँ ग्रीन कार्ड बनता है और ग्रीन कार्ड बनवा के ही यात्री उस टैक्सी में जा सकता है। टैक्सी वाला बना के देगा और ट्रिप कार्ड यात्री को बनाना रहता है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के साथ आप आगे यात्रा में जा सकते हैं। बगैर इन डॉक्यूमेंट्स के आपको यात्रा में जाने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इस समय बहुत ज़्यादा रश है, रास्ते में तीन तीन चार चार घंटे के जाम लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन पहले से जो है अब सुविधा कुछ बेहतर नजर आ रही है दोस्तों। कल हमारे कुछ यात्रियों का ग्रुप ऊपर केदारनाथ में दर्शनों के लिए गया हुआ था, वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे दोस्तों, और उनको वहां जनरल लाइन से ही दर्शन करने दिया गया, क्योंकि पूर्णतः जो है वीआईपी लाइन को बंद कर दिया गया है। कोई भी किसी भी तरीके से वीआईपी लाइन से दर्शन नहीं कर सकता था दोस्तों, जबकि पहले वीआईपी लाइन से ही लोगों को जाने दिया जाता था। बहुत सारे यात्री जनरल लाइन में परेशान रहते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, अब यात्री जनरल लाइन से ही सीधे दर्शनों के लिए जा रहे हैं और आसानी से तीन से चार घंटे में यात्री दर्शन करके बाहर आ रहे हैं दोस्तों। और गर्भगृह में फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर से ही दर्शन हो रहे हैं, वीआईपी दर्शन नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई वीआईपी पूजा हो रही है दोस्तों। जनरल लाइन से ही आपको दर्शनों को जाना होगा और बाबा के दर्शन करके आप इस यात्रा को कर सकते हैं दोस्तों। और चार धाम में दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ, चारों धाम में ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों। जगह जगह जो है यात्रा पड़ाव पर यात्रियों की डॉक्यूमेंट चेक करके वेरीफाई करके ही आगे भेजा जा रहा है इस यात्रा में। और रहने खाने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें हुई थी यात्रियों को, लेकिन अब व्यवस्था जैसे जैसे हो रही है तो अब यात्रियों को काफी आसानी इस यात्रा में हो रही है। चार से पांच घंटे में मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं और यात्री आसानी से यात्रा को करके नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल काफी जो है राहत मिली है इस यात्रा में, लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर डॉक्यूमेंट्स के और यात्रा डेट से पहले या बाद में अगर आप आएंगे तो इस यात्रा को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यात्रा में आने से पहले अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन और ट्रिप कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आपको यात्रा में किसी तरीके की दिक्कत ना आए दोस्तों। और अगर आप हमसे भी ट्रिप कार्ड या यात्रा रजिस्ट्रेशन या यात्रा की कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ में। नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।